हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसे पता है, कल यानी कि संडे के दिन जामिया यूनिवर्सिटी का 11th का साइंस का पेपर हुआ था। उसी का जो सॉल्यूशन है, यानी कि मैथ और इंग्लिश का सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आज करने वाले हैं। जीएस के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ से 56 नंबर दिख रहा है आपको। डेट मीन के जो 55 क्वेश्चन जो हैं वो आपके साइंस से हैं और पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसका क्या है, आपका मैंने एक पीडीएफ बना दी है जिसमें 1 से लेकर 100 तक सारे ही आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो उसका इस वीडियो में हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जिस वजह से आपको देखने में भी दिक्कत होगी और फिर वो एक उसके आंसर ही हमें चाहिए होते हैं। फिर भी अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, हमारे ग्रुप का, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पूछ भी सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको एक काम और करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैंने भी अभी सर्च किया, ठीक, तो जो वीडियो आई हैं एक दो सोल्यूशन के लिए, उसमें भी इतना डिटेल में सोल्यूशन नहीं बताया गया है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो बस आपका इतना काम है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, और जो हम मेहनत करते हैं उसका ही ये एक तरीके से फल होता है, तो हमें अच्छा लगेगा, हम मेहनत करते हैं और आप उसको देखते हैं, उसको सराहते हैं। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जो था यानी कि मैथ से, ठीक है, तो वो था इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। ठीक है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, तो एक चीज़ हमें यह समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये मिलके बनता है 1। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको इसी साइड रहने देते हैं और ये हमें दे रखा है पी। इस पी को जब इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस पी। ठीक है, डेट मीन सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द मीडियन ऑफ सेट 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। ठीक है, कोई सेट दे रखा है, 9 चीज़ों का कोई सेट है, उसका मीडियन दे जो है वो 20.5 है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। ठीक, कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाई 2। ठीक है, तो जो मीडियन होता है वो बीच में होता है, यहाँ इस साइड में जो होगा वो कम वाला होगा और इस साइड में जो होगा वो ज्यादा वाला होगा। ठीक है, ये हमें पता है, यानी कि इस साइड को हमें +2 करना है, 4 ऑब्जर्वेशन में +2 हमको करना होगा। ठीक है, तो पूछा है देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट। ठीक है, मीडियन जो है वो नए सेट की मीडियन क्या होगी, तो अगर हम मीडियन टर्म निकालें तो क्या होगा, ये फार्मूला है n+1/2। 9 सेट है, डेट मीन 9+1/2 इज इक्वल टू 10/2, और ये हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, डेट मीन जो मीडियन है वो 5th टर्म है। ठीक, यानी कि ऐसा होगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टर्म, ये 5th हो गई, 6, 7, 8 और 9 इस साइड हो गई। अब हमको ऐड कहाँ करना है, हमको ऐड तो यही करना है। ठीक है, तो जो मीडियन होगी वो हमेशा बीच का 5th बीच की टर्म होती है, तो यानी कि हमेशा का हमेशा यही नंबर जो है वो सेम रहेगा, तो डेट मीन रिमेन द सेम एज डेट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमारा रिमेन सेम रहेगा, ये ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम जो 9 जो रखे हैं वो थोड़े ना चेंज हो रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 35। इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ दोज टू रेडी ऑफ द सर्किल द एंगल बिटवीन बीच। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये सर्कल बना होगा, ये टेंजेंट हमारी कहीं यहाँ पे ये 35 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये सेंटर होगा इसका, ये यहाँ टच कर रहा है एंड पे और ये यहाँ टच कर रहा है, तो ये हमें पता है टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ये 90 डिग्री बनाती है और ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। दैट मीन इसका 360 डिग्री होना चाहिए सम एंगल का, तो 90 90 180, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये आमने सामने के 180 होना चाहिए थे, तो 180 माइनस 35, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 6, 7 में से 3 गए 4। ठीक है,
तो 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से, इफ एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, देन एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से 90 यहाँ माइनस है, ठीक है, 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। एक्स कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा, और यहां पर कॉस थीटा, ये साइन थीटा। अब ये देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वन, डेट मीन ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच डैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं यहां पे, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि इसका अच्छा नाम दे दो ए बी सी, ठीक है, इसका मिड पॉइंट यहां पे होगा, मान लो इसकी साइड टू और टू है, ठीक है, तो ये वन हो जाएगी, ये वन हो जाएगी, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे एक इन्होंने और, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बी, ये डी मिड पॉइंट है, बी डी ई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एक है, ये भी एक होगी, ये भी एक होगी, ये भी एक। अब हमसे एरिया पूछा, अगर मैं छोटे वाले का एरिया देखूं तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, और ये बड़े वाले का टू का स्क्वायर यानी कि फोर हो जाएगा बड़े वाले का, ठीक है, तो डेट मीन इतने पार्ट का अगर देखें तो ये, ठीक, इसको छोड़िए। अब पूछा है हमसे रेशियो एरिया का, ठीक है, तो ए बी सी और बी डी ई, ठीक है, तो साइड का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर और दो का स्क्वायर यानी कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, तो वन इज टू फोर जो होगा यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला गया है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स और प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री देन, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को एक्स की जगह पुट कर देना है और यहां से हमें जो है ए की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर हम एक बार टू को रखेंगे तो टू का स्क्वायर होता है फोर प्लस ए प्लस वन और एक्स की जगह टू प्लस बी, ये हो जाएगा फोर, ठीक है, यहाँ जीरो, टू ए प्लस टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यहां से टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इक्वेशन वन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाता है हमारा नाइन, ठीक है, और प्लस ए प्लस वन और माइनस थ्री प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, नाइन प्लस, और ये तीन की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस थ्री ए माइनस थ्री प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो नौ में से तीन का छः, ये होगा बी बी माइनस थ्री ए बराबर माइनस सिक्स, ठीक है, तो यहाँ रख सकते हैं हम बी माइनस थ्री ए इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इक्वेशन टू हो गई। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस प्लस प्लस, ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू और थ्री फाइव ए और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ज़ीरो, ठीक है, तो ए बराबर यहाँ से हमें क्या मिला, ज़ीरो मिल गया, ठीक। अब ए की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम अगर सेकंड में पुट करेंगे तो बी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस छः और बी इज इक्वल टू माइनस छः, तो ए बराबर क्या मिला, ज़ीरो, बी बराबर माइनस छः, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रही होंगी, और आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपने जामिया का दे दिया है तब तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप अलीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप सॉल्यूशन ना देखें प्लीज़, पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो कर दें पोज, और पोज करने के बाद आपको खुद से एक बार सॉल्व करना है या ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखें अगर ऑप्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट है 62 नंबर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ, ठीक है, 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नन ऑफ द अबव है, तो इसमें आंसर हमें क्या लगाना है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन,
ठीक है, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर एम मल्टीप्लाई 5 की पावर एन, ठीक है, देन इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगा अगर इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में यहाँ तो हमें दिख रहा है ठीक, लेकिन ये भी ऑलरेडी है तो हम टर्मिनेटिंग तो इसको नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर 7 की पावर 5 या फिर कुछ और भी नहीं होता, केवल यही फॉर्म में होता तो हम कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इफ नॉट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो डेट मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ पर इसका हमें दिख रहा है मल्टीपल है, ठीक है, तो जिस वजह से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है द वैल्यू ऑफ कॉस 0, कॉस 1, कॉस 2, कॉस 89, कॉस 90, ठीक है, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक, मल्टीप्लाई में है, और कॉस 90 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। अब जब हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ की गुणा या मल्टीप्लाई 0 से होती है तो 0 ही मिलता है, तो इन सब वैल्यू को निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉस 90 0 होती है तो वो सबको 0 कर देगी, डेट मीन ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, ठीक है, अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजन एज द सेंटर पास थ्रू 13/2, ठीक है, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, 0,0 जो होंगे वो हमारे सेंटर ऑफ सर्कल होंगे, और पास कहां से हो रही है, ये 13/2,0 से। अगर हम रेडियस निकालें यहां से, रेडियस, तो वो क्या निकलेगी, 13/2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 1/69/4, और ये यहाँ से 13/2, और या फिर हम कह सकते हैं 16.5, ठीक है, 6.5 जो होगी वो इसकी रेडियस होगी। अब इसको अगर हम ऑप्शन से देखें बाय ऑप्शन, तो हमें यही वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है, 13/2 या 6.5 ये वैल्यू हमें मिलना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन अगर हम देखें इसमें करेक्ट है, ठीक, तो इसको रख के देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट माइनस 6 - 0 प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहां से अंडर रूट ये तो 36 मिल गया प्लस ये 25/4 मिल गया, अंडर रूट ये हो गया 144 प्लस 25/4 या फिर 169/4 या कह सकते हैं रूट के बाहर आएगा तो 13/2 या फिर 6.5, ठीक है, तो सेम वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो डेट मीन हम कह सकते हैं कि ये वाला जो आंसर होगा डी वाला वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 65 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 है, ठीक है, इसके रियल रूट्स हैं या फिर नो रियल रूट्स हैं ये हमें चेक करना है, ठीक, तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, तो अभी हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला हमें लगाना है, तो वो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, यानी कि 2x² + 1 इज इक्वल टू 0, 2x² - 1 और एक्स स्क्वायर बराबर -1/2 या फिर एक्स बराबर -√1/2, ठीक, तो ये नॉन रियल यानी कि इमेजिनरी नंबर है, नॉन रियल रूट्स होगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट है 66 नंबर, द फादर एज इज 6 times हिज सन्स एज, जो फादर की एज है वो उसके बेटे से 6 गुना है, 6 times ज्यादा है, तो फादर की अगर मैं अभी की एज मानूं एफ, तो वो अपने सन की एज यानी कि एस से 6 times है, ठीक है। 4 years हैंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 times हिज सेम, ठीक है, तो 4 साल के बाद की बात कर रहा है, यानी कि एफ प्लस 4 करंट एज में 4, 4 साल जोड़ देंगे, ठीक है, और वो उसकी 4 times हो जाती है
सन की अगर करंट एज में 4 साल जोड़ें, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाती है, तो एफ प्लस 4 इज इक्वल टू 4s प्लस 16। अगर एफ की जगह 6s हम जोड़ दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6s प्लस, ये इधर को जाएगा, ठीक है, तो 4s प्लस 12। फिर यहाँ से 6s माइनस 4s इज इक्वल टू 12, और 2s इज इक्वल टू 12, और यहाँ से कह सकते हैं जब डिवाइड में आएगा 2 तो s बराबर 6 आ जाएगा। अब s की वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ पर अगर हम पुट करें, ठीक है, तो फादर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 36 आ जाएगी, यानी कि फादर जो है 36 के हैं और बेटा जो है 6 ईयर का है। तो एज ऑफ सन 6 और 36, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 67 नंबर, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर 182, 182 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, द वन नंबर इज 26। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा डायरेक्टली फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है, ये दे रखा है 182 गुणा 13, इसको इधर लाएंगे तो ये 26 नीचे आएगा। तो सेकेंड नंबर हमें निकालना था, तो 13 दूनी 26, और यहाँ से काटेंगे 2 नहीं 18, 2 91, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी मैथ थी और इंग्लिश भी इजी है, तो मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे कुछ भी। नेक्स्ट है 68 नंबर, ठीक है, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 n इज इक्वल टू 0, देन n इज, ठीक है, तो n क्या है? ठीक, तो फिर हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर रख सकते हैं, n बराबर अगर हम 1 रखें तो ये तो हो जाएगा -1, और 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8, और पावर जब इवन होती है तो प्लस देगी, यानी कि बराबर 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रही है इसको, 0 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि n की वैल्यू ऑड है। ठीक है, एक इवन वैल्यू रख के देख लेते हैं, यानी कि n बराबर 2 देख लेते हैं चेक करके, तो -1 की पावर 2 प्लस -8 गुणा 2, यानी कि ये 16 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से पावर जब इवन है तो ये प्लस मिलेगा, यहाँ भी इवन है तो प्लस मिलेगा 0, और ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हमें एक चीज़ देखने को मिली कि ऑड नंबर पे ये सेटिस्फाई कर रही है, तो डेट मीन एनी ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी, एनी ऑड नेचुरल नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है, इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक मतलब कह सकते हैं ताश के पत्ते हैं जिसमें 52 कार्ड होते हैं, उसको रैंडमली हटा गया। द प्रोबेबिलिटी डेट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन, यहां पर एस होगा, डेट मीन इक्का, ठीक है, इक्का होता है अगर आपने कार्ड खेला हो तो प्रोबेबिलिटी हमें बताना है जिसमें इक्का ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 4 इक्के होते हैं, ये सभी को पता होगा अगर जिसने ताश खेला है, नहीं खेला तो पता लग गया। तो इक्के के बिना ये 48 पत्ते होंगे, यानी कि कार्ड होंगे, तो 48 यानी कि 48, और टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ 13 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, 12/13। अगर वो इसमें पूछ लेता कि यहाँ पर नॉट नहीं होता, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेट द ड्रॉन कार्ड इज एन एस, ठीक है, तो एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, टोटल कार्ड 52, तो हम कह सकते हैं 1/13 जो है वो तब प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इसमें बिना इक्कों के क्या प्रोबेबिलिटी होगी कार्ड की, तो 12/13 होगा इसका। अगला है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे बना दिया होगा उसने, ये 60 डिग्री बनना है, ठीक है, तो आर्क की लेंथ का फार्मूला जो होता है, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं हम, θ/360 × 2 × π × r। ठीक है, आर्क की लेंथ हमें 20 दे रखी है, थीटा की वैल्यू 60 है गुणा 2, और पाई हमारे ऑप्शन में, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, 6 और ये 3, ये मल्टीप्लाई होगा इधर 60, और पाई इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो 60/π जो होगा वो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 71 में 11 टर्म बताना है हमें एपी की,
जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो ए से हम डिनोट करते हैं तो -3 दे रखा है, अगर डी यानी कि गैप इनका फाइंड करें तो -1/2 और माइनस ये होता है, ठीक है, तो -1/2 +3 और यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 5/2, ठीक है। तो nth टर्म का फार्मूला होता है यानी कि 11 नंबर पता करना है, तो ए यानी कि -3 और प्लस एन माइनस वन यानी कि 11 -1 और गैप यानी कि 5/2, -3 प्लस ये होगा 10 × 5/2 -3 और ये 25 और यहाँ से 22, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ वन इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² - 5 a - 1x - 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, तो हमें क्या करना है, x की जगह हमें 1 रख देना है, तो यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि मल्टीप्लाई होगी तो a ही मिलेगा, -5 a - 1 और x की मल्टीप्लाई मतलब x की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगी यही आएगा, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, a - 5a + 5 - 1 इज इक्वल टू 0, -4a + 4 इज इक्वल टू 0 और 4a = 4 और a = 1, डेट मीन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2x - 3y = 5 एंड 3x - 2y = 10, देन द वैल्यू ऑफ x - y, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें एक टर्म को हम इक्वल कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 6 आएगा, डेट मीन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पर 2 से करनी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इसको 3 से करना है, इसको 2 से करना है, तो 6x - 9y = 5, इसको 2 से करेंगे तो 6x - 4y = 20, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट, माइनस का 5y बचेगा और यहाँ पर माइनस का 5, तो यहां से हमें y की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई। y की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, यहां करेंगे तो 3x - 2 और y की वैल्यू 1 यानी कि 2 × 1 = 2 = 10, 3x ये 10 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि 12 हो गया, और x की वैल्यू की क्या आ गई, 4, वैल्यू हमें बताना है x - y यानी कि 4 - 1 और ये होता है 3, तो 3 है ऑप्शन नंबर 1 में यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 74 क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 10x - 5 - m = 5/n, ठीक है, देन द अदर जीरो, तो हमें पता है α + β = -b/a होता है, अल्फा की वैल्यू 5/3 दे रखी है, बीटा फाइंड करना है, माइनस बी की वैल्यू यानी कि -10 और ए की वैल्यू 3, तो इस माइनस माइनस से ये प्लस हो गया, बीटा 10/3 और ये 5/3 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 10 - 5 5 और ये 3, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई निकल के 5/3 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक है, इसमें दे रखा है 1.24, इसको बोलते हैं बार, यानी कि इसका मतलब है कि नंबर जो है आगे सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये नंबर हमें बताना है क्या है, इंटीजर है, रेशनल है और इरेशनल है, ये हमें बताना है या फिर नन, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होगा, ठीक, रेशनल नंबर होता क्या है, यानी कि जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखें 4, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, अगर 0.25 लिखा है तो इसको भी हम रेशनल नंबर बना सकते हैं यानी कि p/q की फॉर्म में 25/100, ठीक है, और जो रिकरिंग नंबर होते हैं यानी कि जो रिपीट होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, लैंग्वेज इज मतलब इंग्लिश में स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और पैसेज से स्टार्ट हुआ ये, और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों तक जिन्होंने ये पेपर दिया है, ताकि वो देख सके कि उन्होंने कैसा किया पेपर, और उन लोगों को भी जो अलीगढ़ AMU की जो तैयारी कर रहे हैं 11th की, ताकि वो भी देख सकें कि जामिया का पेपर कैसा आया और उसको किस तरीके से आगे सॉल्व करना है, क्योंकि उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन था, अ कोबरा रेजेस इट्स हुड व्हेन इट इज, ठीक
ठीक है, जो कोबरा है वो अपना सर को उठाता है कब, जब वो हैप्पी होता है, एंग्री होता है, फेयरफुल होता है, सैड होता है। तो देखेंगे हम अपने पहला पैसेज में, व्हेन अ कोबरा इज एंग्री इट रेजेज इट्स हुड। ठीक है, तो एंग्री है यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। व्हेन अ रैबिट सी एन एनिमी, रैबिट जब भी अपने एनिमी को देखता है तो क्या करता है, इट मेक्स साउंड, इट रब इट्स स्किन, इट लाफ लाउडली, इट रन अवे इन टू हो इट्स होल्ड। अच्छा चलिए देखते हैं, व्हेन अ रैबिट सी एन एनिमी इट रन्स अवे इन टू इट्स होल। ठीक है, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा और यहां पर होल्ड नहीं होल होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अ रैबिट्स वाइट टेल बॉब्स अप एंड डाउन। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ये वाली लाइन, विच इज वाइट, क्या है टेल, टेल के बारे में बात कर रहा है, टेल विच इसको बता रहा है, टेल को वाइट है, बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स। ठीक है, तो एज इट रन्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो वंडरफुल गिफ्ट है गॉड की तरफ से। वो गॉड की तरफ से गिफ्ट किसको दिया गया है, गिवन टू मैन। ठीक है, गिवन टू मैन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द वर्ड पोजेस मीन्स, पोजेस का मतलब होता है टू हैव या फिर टू ओन, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कोई चीज रखना। ठीक, 81 है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा है, इसकी बात करें ये प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, ये बात करें यानी कि आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, तो ये हमें कॉन्टिन्यूस में मिलती है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, विल और शैल के साथ हैव होगा और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वही देखना है हमें। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, मैरी है, यानी कि इसके साथ हमारा विल आने वाला है या वुड आने वाला है। तो आउट ये मॉडल वर्ब है, यहां भी ये मॉडल वर्ब का यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहां मैंने बोला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी कि डी और होना चाहिए था, तब ये हम कह सकते थे, बट शुड है यहां पर लगा हुआ तो वैसे गलत हो गया, विल या वुड में होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई, शी हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज आफ्टर एवरी वन कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, तो हैज जो है वो प्रेजेंट में आएगा, हमें पता है प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज होता है, डिसाइडेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा, हैज और हैव जब भी आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 84 नंबर, द होल फैमिली देन ब्लैंक दे रखा है फॉर द सेरेमनी। ठीक है, होल फैमिली इसका मतलब ये एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। तो यहां पर जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर में एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो इनवाइट्स नहीं होगा यहाँ पर, इनवाइट्स जो होता है वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की ये यहाँ पर लगी है वर्ब। ठीक है, तो हमेशा कोई नहीं बुलाता, जब किसी की यहाँ शादी या फिर कोई फंक्शन होगा तभी इनवाइट करेगा। ठीक, तो इनवाइटेड भी नहीं होगा, और यहाँ पर ए और बी जो दे रखा हैज़ बीन इनवाइटेड और हैव बीन इनवाइटेड, मैंने बोला कि एज अ ग्रुप है तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि हैज का यूज करेंगे, हैज बीन इनवाइटेड फॉर द सेरेमनी इज द करेक्ट आंसर। 85 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, यहाँ डिड है, यानी कि ये सिंपल पास्ट है, वाज डूइंग पास्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फिर है हैड डन, ये पास्ट परफेक्ट है। 86 से 90 तक हमें जो दिए गए हैं वो नरेशन दिए गए हैं। ठीक है, और नरेशन में अगर आपने पहले वीडियो देखी होंगी, अगर आपने जो ऐप है हमारी एग्जाम गुरु जी, ठीक है, उसमें आपने इंस्टॉल किया होगा, उसमें देखा होगा वीडियो है, उसमें एक्टिव पैसिव की भी है और नरेशन की भी है, तो उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का मैंने तरीका बताया था, उसी से हम करेंगे। अगर आपने वो देखी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 5 के 5 क्वेश्चन सही किए होंगे।
ठीक है, अगर आपने वो देखी हैं और सही करके आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई रिट्रीट इट, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, ठीक है, तो डोंट का हमें यहाँ पर देखना है पास्ट में जाएगा, ये डिड नॉट में आएगा। हमें क्या फाइंड करना है, डिड नॉट फाइंड करना है, तो डिड नॉट इसमें है, यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा, और यहाँ पर भी नहीं है, नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। तो इजिली हमने फाइंड आउट कर लिया ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द यंग मैन प्रोमिस्ड हर डैट ही वुड बी देयर नेक्स्ट डे, ठीक है, तो यंग मैन ने क्या किया, प्रोमिस किया है, ठीक है, पहला पार्ट सबका सेम है तो हम यहाँ चेक नहीं करेंगे, हमें अगले पार्ट में क्या देखना है, प्रोमिस वर्ड को फाइंड करना है, जिसमें प्रोमिस होगा उसको रखेंगे। अभी यहाँ पर नहीं है, एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर भी नहीं है, एलिमिनेट, यहाँ पर भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ठीक, ही एक्सप्लेन डेट ही न्यू, ठीक है, ही न्यू, यानी कि हमें इनडायरेक्ट है ये, इसको डायरेक्ट बनाना है तो पीछे जाएंगे, नो हमें फाइंड करना है, नो कहाँ कहाँ है, एक्सप्लेन तो सबका सही है, नो यहाँ पर है, न्यू, ठीक है, ये नहीं होगा, आई हैव नोन यहाँ नहीं होगा, आई नो, ठीक, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेल बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए और डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों सेम है, ए और डी करेक्ट होंगे इसमें 88 में। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर, ओल्ड लेडी है उसने डिक्लेयर किया है क्या, शी वॉज गोइंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है इसको, हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है, ठीक है, तो ओल्ड लेडी है और डिक्लेयर कर रही है, इसका मतलब हमें वाज तो चाहिए नहीं, इज आर एम में से कोई भी हो एक वो चलेगा, ये हट गए, दो एम मिलेगा, ठीक है, और आई है, ओल्ड लेडी के लिए आई का यहाँ पर यूज होगा प्रोनाउन में। ठीक, आगे जो प्लीज है इसको प्लीज करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हेड है इसको हमें हैव करना पड़ेगा, ठीक है, जब हम पीछे जाएंगे यानी कि डायरेक्ट बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर हेड है और यहाँ पर प्लीज है, ये भी नहीं होगा, हैव और प्लीज यहाँ पर मिल रहा है, और आई एम गोइंग भी है, यानी कि तीनों चीजें हैं, डेट मीन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट है नरेशन से, आई वॉन्डर हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड, ठीक है, तो यहाँ से हमने वेंट को देखा, वेंट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हमें मिलनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म, यानी कि गो जहाँ जहाँ होगा वो देखेंगे, वेंट यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, दो जगह गो है, अब क्या करना है, आई सेड डू डिस्कवरीज गो एंड हेड, ये इंट्रोगेटिव थोड़ी ना है, डब्ल्यू एच वाला है, यानी कि हाउ तो रहेगा ही रहेगा, तो हाउ मैनी डिस्कवरीज, तो यहां से ये भी हट गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है 91, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज फॉर एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी के लिए हम ये यूज करते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 92 है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इन असर्टिव, ठीक है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हमें इसको बनाना है, तो ये तो हो गया इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं होगा, अच्छा यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ दिया नहीं है कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को, तो ये भी नहीं होगा, असर्टिव सेंटेंस ये होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 93 में हमें क्या करना है, निगेटिव बनाना है, ठीक है, और मॉर्टल को जब नेगेटिव बनाते हैं तो आई एम लगा देंगे, यानी कि इमॉर्टल कर देंगे, तो ह्यूमन इज इमॉर्टल, ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जैक एंड जॉन, दो बंदे हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी वो एज अ प्लूरल यूज होगी, ठीक है, तो बी यहां पर नहीं होगा, वॉज जो है सिंगुलर के साथ आती है, यानी कि अगर केवल जैक होता तो वॉज लगा सकते थे, अब यहां पर हैव जो है वो प्लूरल के साथ आती है, तो ये भी होगी, और हेड भी हो सकती है, ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि बी एंड डी जो है वो बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 95 है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर सेकंड फॉर्म लगी है, ये नहीं होगा, डू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, आई डू नॉट अकम्पनी देम, आई डू नॉट अकम्पनी देम, दोनों ऑप्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं सी और डी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है वॉट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, नहीं है, नहीं होगा, इम्परेटिव है, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में ये होना चाहिए था तो ये भी नहीं होगा, इम्परेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो यहां पर सब्जेक्ट है तो ये भी नहीं होगा,
तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इट इज कोल्ड आउटसाइड टुडे, आज ठंडा मौसम है, ठीक है, और आउटसाइड मतलब बाहर। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, अगेन क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी में ये होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। क्लीन योर रूम, नेक्स्ट है 98, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, सेंटेंस भी नहीं बनाता है और कमांड भी नहीं देता है, वो ऑपरेटिव या फिर इंपरेटिव सेंटेंस बनाता है। तो शो एक्साइटमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा, हरे अलास, ठीक है, ये खुशी के टाइम पर और ये दुख के टाइम पर हम करते हैं, तो ये एक्साइटमेंट हमारे दिखाता है, यानी कि एक्सप्रेशन और फीलिंग्स शो करता है। वुड यू यूज ए और फॉरवर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्स्टेंट साउंड, तो यहाँ पर हम डी वाला ऑप्शन यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इन टू ऑप्टेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर असर्टिव बना रखा है, ये भी नहीं होगा, तो हाउ इंटेलिजेंट यू आर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज हमने अभी 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो 55 क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में, यानी कि ऑल टोटल टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर दे रखे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, वो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपना जो भी स्कोर है, और प्लीज स्कोर आप बता दीजिए नीचे जो भी आपका बनना है अभी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर हमारा ग्रुप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी पूछ सकते हैं। बाकी एमयू अलीगढ़ के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी करते रहें, उनके भी कोई अगर डाउट हो या फिर वो चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बना के डाली जाए, छोटी या बड़ी जैसी भी, या ऑनलाइन कुछ चाहते हैं कि ऑनलाइन आपका सेशन हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या फिर नीचे जो ग्रुप का लिंक दिया गया होगा ग्रुप में ज्वाइन करके हमें वहाँ भी बता सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।